स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बेस है टेरिडोफाइटा की एक क्लास जिसका नाम है फिलिसिनी। इस फिलिसिनी को हम टेरोप्सिडा भी कहते हैं। ओके, ये पार्ट सिक्स है। इसके पहले हम लोगों ने पांच वीडियो टेरिडोफाइट्स के जनरल फीचर्स और बाकी की जो क्लासेस है उनके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देखिएगा। नाउ ये जो फिलिसिनी है ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये टेरिडोफाइट्स का सबसे बड़ा समूह है, राइट? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में सबसे बड़ा यदि कोई समूह है, कोई सबसे बड़ी क्लास है, तो वो कौन है? तो दैट इज नॉन एज अ फिलिसिनी या टेरोप्सिडा। ओके, और इस क्लास में जितने भी टेरिडोफाइट शामिल है उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फर्न्स। सबसे कॉमन आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स कौन से हैं? फर्न्स हैं। तो इस क्लास में जितने भी टेरिडोफाइट शामिल है उन सबको हम क्या कह देते हैं? फर्न्स कह देते हैं। और वैसे भी आपको एक चीज बता दूं कि अधिकांश टेरिडोफाइट्स, मैक्सिमम टेरिडोफाइट जो है वो क्या है? फर्न्स है। और इन फर्न्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इन फर्न्स की जो पत्तियां होती है वो बहुत बड़ी होती है। चाहे तो आप उसको मेगाफिलस कहो, मैक्रोफिलस कहिए या गुरुपर्णी कहिए, फर्न्स की पत्तियां बहुत क्या होती है? बड़ी होती है। और इनमें तना जो होता है वो तो क्या होता है? छोटा। याद रखना, तना तो होता है छोटा और पत्तियां होती है बड़ी। इनकी सबसे बड़ी विशेषता तना होता है बहुत छोटा और पत्तियां बहुत क्या होती है? बड़ी। और ये जो पत्तियां होती है उनको एक विशेष नाम दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बिहाफ के ऊपर यदि देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों को हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ये जो गुरुपर्णी पत्तियां हैं, मेगाफिलस पत्तियां हैं, इनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ओके, और पत्तियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है? बहुशीरीय होती है। आर यू गेटिंग? मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा क्या होती है? शिराएं होती है, बहुशीरीय होती है। और पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है? दे आर फैन लाइक, पंखे के समान क्या होती है? पत्तियां होती है। अब फर्न की जो यंग लीव्स होती है, फर्न की यंग लीफ और यंग स्टेम, यानी कि जो फर्न का तरुण पत्ती और तरुण तना जो है उनके ऊपर एक बहुत विशेष रचना पाई जाती है। और वो कैसी है? बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उनके ऊपर? यंग लीव्स के ऊपर और यंग स्टेम के ऊपर बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। और इन मल्टीसेलुलर हेयर्स को हम क्या कह देते हैं? रेमेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बिहाफ के ऊपर यदि देखो तो रेमेंटा के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे पूछे जाते हैं फर्न्स की पत्तियों के ऊपर और तनों के ऊपर जो बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेमेंटा कहते हैं। और इन रेमेंटा का मुख्य कार्य क्या है? दे आर कंसर्न्ड विद, दैट इज डिफेंस, यानी कि इनका काम क्या है? सुरक्षा से लेना देना है। अब फर्न्स में एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर ट्रोपोफिल्स और स्पोरोफिल्स में कोई विभेद नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, ट्रोपोफिल्स क्या होती है? ट्रोपोफिल्स फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। और स्पोरोफिल्स क्या होती है? जनन से संबंधित क्या होती है? पत्तियां होती है जिनके ऊपर स्पोरिंजिया डेवलप होती है। स्पोरिंजिया के अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि टेरोप्सिडा के अंदर या क्लास फिलिसिनी के अंदर ट्रोपोफिल्स यानी कि फोटोसिंथेटिक लीव्स और स्पोरोफिल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव लीव्स के अंदर कोई विभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि फर्न की प्रत्येक पत्ती, चाहे वो ट्रोपोफिल्स हो या स्पोरोफिल्स हो, यहां पर विभेद है ही नहीं। प्रत्येक पत्ती जो होती है वो जनन के समय, रिप्रोडक्शन के वक्त में क्या बनाती है? स्पोरिंजिया बनाती है, ठीक है। और अतः फर्न में शंकु का निर्माण नहीं होता। यहां पर यदि आप फर्न्स में देखोगे तो कोन जैसी कोई रचना नहीं बनती है। प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था कि कोन बनते थे, यहां पर प्रत्येक पत्ती जो है वो जनन के समय स्पोरिंजिया बनाती है। और यहां पर फर्न में कोई शंकु का निर्माण नहीं होता है, नो कोन फॉर्म्ड। तना जो होता है आमतौर पर, राइट, आमतौर पर तना जो है वो कैसा है? राइजोम है। लेकिन कभी कभी तना जो होता है, कभी कभी तना जो होता है वो कैसा हो सकता है? ऊर्ध्व हो सकता है। ऊर्ध्व का मतलब होता है इरेक्ट, कभी कभी इरेक्ट हो सकता है, वरना तो कैसा है? भूमिगत है। और क्या कहते हैं उसे? राइजोम कहते हैं। अच्छा, स्पोरिंजिया के अंदर पत्तियां जो होती है वो कैसे बिहेव करती है? पत्तियों के ऊपर क्या बनता है? स्पोरिंजिया बनती है, ठीक है। अब स्पोरिंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर आप जानते हो कि कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड। तो नेचुरल है कि जब वो अंकुरित होंगे तो क्या बनाएंगे? गेमिटोफाइट बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे? एन। और इस गेमिटोफाइट के ऊपर एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। आप जानते हैं एंथीडिया क्या है? मेल ऑर्गन है, राइट, मेल सेक्स ऑर्गन है। और आर्चिगोनिया क्या है? दैट इज नॉन एज फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है,
राइट, एंथीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक है। और जो ये स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स दो प्रकार के बन सकते हैं। यहां पर ये जो बीजाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस भी बन सकते हैं। हेट्रोस्पोरस होंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो होमोस्पोरस कौन कौन से सदस्य हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ये तो सब कैसे हैं, होमोस्पोरस है। और हेट्रोस्पोरस जो है वो कौन से है, जैसे मार्सिलिया है तो मार्सिलिया क्या है, हेट्रोस्पोरस है। ओके, तो ये तो क्या है, सब जनरल फीचर्स है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल्स क्लास फिलीसिनी से रिलेटेड है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर तो क्या है, टेरिडियम है, राइट। इस टेरिडियम को हम सन फर्न भी कहते हैं या इसे ब्रैकर्न फर्न के नाम से भी जाना जाता है। टेरिडियम को हम क्या कहते हैं, ब्रैकर्न फर्न या सन फर्न। एडियंटम, इस एडियंटम को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज वॉकिंग फर्न। क्या कहा जाता है इसे, वॉकिंग फर्न। अब ये वॉकिंग फर्न नाम क्यों दिया गया, प्रश्न उठता है कि वॉकिंग फर्न नाम क्यों दिया, तो वॉकिंग फर्न नाम इसलिए दिया है क्योंकि इनके अंदर तीव्र गति से, तेज गति से क्या होता है, कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और कायिक जनन जो होता है वो कहां पर होता है, पत्ती के कहां पर होता है, शीर्ष भाग से होता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेजी से फैलते हैं, इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है, वॉकिंग फर्न कहा गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि एडियंटम को वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं। नेक्स्ट आल्सोफिला, ये जो आल्सोफिला है ये ट्री फर्न है। ये कैसा है, ट्री फर्न है। ट्री फर्न क्यों कहा गया, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टेडोफाइट है जो कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट टेडोफाइट यदि कोई है तो कौन है, आल्सोफिला है। और एक और चीज याद रखना कि एजोला जो है, एजोला ये स्मॉलेस्ट फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, पानी के अंदर ये पाया जाता है। और ये एक बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव खाद के रूप में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है, बायो फर्टिलाइजर की तरह उपयोग होता है। और अगला आता है ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रूक शील्ड फर्न। क्या कहते हैं इसे, ब्रूक शील्ड फर्न कहते हैं। ऑस्मुंडा को हम क्या बोलते हैं, रॉयल फर्न कहते हैं। व्हाट वी कॉल, रॉयल फर्न ऑस्मुंडा को। और एक और है, दैट इज रॉयल फर्न कहते हैं। और ये जो ऑफियोग्लोसम होता है, ऑफियोग्लोसम, इसको हम क्या बोलते हैं, एडर्स टंग फर्न। इसको क्या बोलते हैं, एडर्स टंग फर्न कहते हैं ऑफियोग्लोसम को। ये जो ऑफियोग्लोसम है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या इसी में होती है, 1260 इसमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र संख्या, एग्जाम में पूछते हैं। तो ऑफियोग्लोसम को क्या बोलते हैं, एडर्स टंग फर्न। और एजोला क्या है, एक्वेटिक फर्न, जैसा कि मैंने बताया छोटा फर्न है, सबसे छोटा फर्न है, इसको जैव खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और मार्सिलिया जो है, मार्सिलिया इसको क्या कहते हैं, पेपर वर्ट फर्न। इसको क्या बोलते हैं, मार्सिलिया को क्या बोलते हैं, पेपर वर्ट फर्न। ओके, तो ये मुख्य एग्जाम्पल्स थे। तो ये जो वीडियो था अपना वो टेरोप्सिडा के ऊपर था। हमने प्रीवियसली सारे के सारे जितने भी अभी तक क्लासेस हैं टेडोफाइट्स की वो हम सारी अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।